सोचते होंगे मेरे हस्बैंड कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं इनको हस्बैंड कहाँ है, घर पे है या नहीं, ऐसे सोचते होंगे। तो पहले वीडियो में तो देखा ही होगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग, अच्छे होंगे? हम लोग भी अच्छे हैं। आज हमारे यहाँ है ना इलेक्शन, जो ग्राम पंचायत का है ना बूथ चल रही है, इलेक्शन चल रही है, इसलिए आज स्कूल नहीं है मेरे बेटी का। इसलिए मैं देर से उठी हूँ, थोड़ा लेट से उठी हूँ, तो आप आगे, हाँ इसलिए स्कूल बंद। देखो ये तो अभी उठी है, ये सबसे हमारे घर के जो महारानी होती है ना, सबसे ज़्यादा फास्ट उठती है ये। देखो अभी उठ के बस क्रीम श्रीम लगा रही है। तो बस उठ के मैंने घर को थोड़ा सा ठीक ठाक किया है, बस अभी खाना बना रही हूँ। तो डायरेक्ट खाना ही खाएंगे आज। तो मेरी बेटी का बस ट्यूशन मिस आने वाली है, वो ट्यूशन एग्ज़ाम भी बस होने वाला है, 28 को एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा मेरी बेटी का, मेरी छोटी बेटी का। अभी यहाँ पे मैट होमवर्क कर रही है। गुड मॉर्निंग बोलो, झुमको खूब खोलो। तो अभी होमवर्क कर रही है। मेरी वीडियो है ना इतनी व्यूज़ कम आ रही है, इसलिए कल तो मैं वीडियो भी नहीं डाला, वीडियो बनाने भी मन नहीं कर रहा था। इतनी व्यूज़ कम आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मेरी तरफ से तो मैं 100% देने के लिए कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग हमारी वीडियो को नहीं देख रही हो। यहाँ पे मैंने चावल चरा दिया है, यहाँ पे काली की सब्जी है, यह चक्के बनाया है मैंने। तो इतनी व्यूज़ कम आते हैं, पता नहीं क्यों लोग नहीं देख रहे मेरे वीडियो को। बिल्कुल मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए कल वीडियो भी नहीं डाला मैंने। तो आज भी बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, बनाने के मन नहीं कर रहा था, फिर भी बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब छुरे ही किया तो निभाना तो पड़ेगा, ख़त्म तो करना पड़ेगा उसको। मतलब जब छुरे ही कर लिया तो निभाना भी तो पड़ेगा ना, उसको करना तो पड़ेगा, क्या करूँ। मैं कोशिश करूँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो बहुत अपसेट हूँ मैं गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखना, तो सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। तो और भी नया वीडियो बनाऊंगी मैं। आज तो दो दिन से बारिश नहीं आया, तीन दिन से बारिश नहीं आया। अभी देखो मौसम अच्छा ही चल रहा है, अभी तो बारिश भी नहीं आया। तो फिर भी इतनी धूप नहीं है, थोड़ा अच्छा ठंडा मौसम चल रही है। तो देखो फ्रेंड्स, हम अभी ये खा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, खीर बना रही हूँ मैं, खीर बना रही है, बहुत अच्छा बनाए। हाँ बहुत अच्छा बनाया है, दिखाओ। तो खत्म ही होने वाली है, जल्दी खाते हैं। बस कर, इतना खाती रहती है यहाँ से, ये पूरा बना भी नहीं, सॉल्ट भी नहीं दिए, फिर भी खा रही है। अभी मैं चिप्स बना रही हूँ, घर होममेड चिप्स। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप लोग को आलू लेना होगा और ऐसे स्लाइस करना होगा, पतला पतला करके, देख सकते हो वहाँ पर, और इसे ड्राई करना है, एकदम वॉश करके ठीक से ड्राई करना है। फिर जब ऐसा बन जाएगा ना कि क्रंची होगा, ये देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट देना है, फिर ऐसे सॉल्ट स्प्रिंकल करना है। सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद इसे थोड़ा मिक्स कर देना है, ऐसे थोड़ा मिक्स कर दो। खाके देखिए क्रंची हुआ है क्या। ये वाला कंट्रोल होगा, एस्मर क्रंची हुआ।
मुझे दूसरा मम्मी चिल्ला रही है देख पीछे से। ये थोड़े कर करना है। उसके बाद ना सारा ये बना अच्छा है ना। इसे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी रखना होगा। मेरे लिए भी रखो। आज भी बारिश आया था, थोड़ा थोड़ा गिर रहे थे दोपहर, तो मैंने कपड़ा नहीं धोया, सिर्फ मेरे जो रैप यूज़ है, जो घर की कपड़ा है वो ही धोया है। देखो रात हो गई है। ये किसका तो बस अंदर चलते हैं अभी, आप लोग के साथ थोड़ा सा बात करती है। तो आप लोग सोचते होंगे मेरे हस्बैंड कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं इनको हस्बैंड कहाँ है, घर पे है या नहीं, ऐसे सोचते होंगे। तो पहले पहले वीडियो में तो देखा ही होगा, तो अभी तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड है ना, वो बाहर ज़्यादा रहता है, तो गया हुआ 5 महीने हो गया है, वो बाहर गया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड एक सोल्जर है, सोल्जर करता है, सेल्फ डिफेंस में नौकरी करता है, इसलिए वो घर पे रह नहीं पाता। ऐसे कभी कभार आते हैं, जब छुट्टी मिलता तो 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए आ जाता है, फिर चला जाता है। तो इसलिए आप लोग सोचते होंगे कहाँ है करके। तो मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, इसलिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, पूरा घर का चलाना, बच्चों को सब कुछ मेरे ऊपर है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं बिजी रहती हूँ। आप लोग को घर के जो काम होते हैं कहाँ क्या, मतलब सब कुछ मेरे ऊपर है, लेकिन आप लोग को दिखा नहीं पाती हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसे बिजी हो जाते हैं ना, तो मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, तो ये दोनों भी पढ़ाई करते हैं, तो उन दोनों के मैं डिस्टर्ब नहीं कराना चाहती, तो इसलिए मैं कभी कभी दिखा नहीं पाती हूँ, ज़्यादातर मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो 5 महीने हो गया है मेरे हस्बैंड गया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड आने वाला है, अगले महीने आएगा मेरा हस्बैंड। तो आप इसी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब इतनी खुश हो आप इसे मैं बता नहीं सकते आप लोग को। तो जो हमारे अभी शादी का 19 साल हो गया है, 19 साल हो गया है शादी का। तो शादी से पहले वो आर्मी में था, तो हमारी शादी हो गई है, हमारी जो है ना लव मैरिज से शादी हुआ था। तो मेरी नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो मेरी भी जल्दी शादी हो गई, 18 भी नहीं हुआ था मेरी उम्र एज, तब मेरी शादी हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं शादी भी जल्दी कर लिया, इसलिए पढ़ाई मैं इतनी नहीं कर पाया, मैंने पढ़ाई छोड़ना पड़ा शादी के बाद। तो अभी शादी के बाद बच्चे हो गई है, घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, घर को संभालना होता है, एक फौज की फैमिली को कितनी परेशानी से झेलना पड़ता है, क्या क्या मतलब आप लोग को बताने से। आसमें कोई कोई तो ऐसे मेरे जैसे फौज लोग की वाइफ है ना, वो फैमिली है ना, पता ही होगा फौज की फैमिली में क्या क्या होते हैं ज़्यादातर। तो अच्छे दिन भी देखी है मैंने, बुरे दिन भी देखी है, क्या क्या मैंने सुनना पड़ा, क्या क्या सुन के आ रहे, इतनी मतलब क्या क्या हो गया है मेरे ज़िंदगी में, आप लोगों को मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, तो जब कभी कभी तो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, जब हस्बैंड भी घर पे नहीं है तो ऐसे दुख हो जाते हैं ना। तो घर में भी ऐसे जब आपके हस्बैंड घर पर होता, तो जब आपके घर में मतलब हस्बैंड घर पर होता तो
सबको सब आपको प्यार करने लगे, लेकिन जब हस्बैंड घर पे नहीं होता तो आपको सब इग्नोर करने लगे। तो कभी कभी ऐसा दुख हो जाता है ना, आकाश मेरे हस्बैंड घर पे होता तो मेरे दिल को मेरे दिल के बारे में इनको बता सकते। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा एहसास होते हैं ना, जो वो घर पे नहीं होता तो बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मैं बताऊँगी, जो फोर्स के वाइफ हो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे झेलना पड़ता है। कभी ज़्यादातर मैं बुरे दिन ही देखा हुआ है, तो अच्छे दिन तो कम ही देखा हूँ तो मेरे लाइफ में। तो मेरे पापा है ना, मेरे पापा वो भी नौकरी नहीं करते, तो मेरी लाइफ भी इतनी अच्छा नहीं है। तो मैंने शादी किया, जो छोटे उम्र में शादी किया तो कितनी कठिनाई से जिंदगी गुजरना पड़ा। इसलिए मैं अभी तो बहुत ज़्यादा अभी तो स्ट्रांग हो गई हूँ मैं। अभी तो बस कोई भी ऐसा काम नहीं है मैं नहीं कर सकता, ऐसा लगता है मुझे। तो अभी तो सब कुछ मैं कर सकती हूँ। अब आज आप लोग को मेरे दिल की बात शेयर कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ आप लोग बुरा मत माना, ऐसे कैसे बोल रही है ऐसे करके बातें ऐसे मत बोलना, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी फैमिली बन गई है अभी। तो मेरे दिल की बात आप लोग भी पता होना चाहिए, मैंने क्या क्या हुआ है, इसलिए आप लोग के साथ मैं बात कर रही हूँ, तो ताकि आप लोग भी समझ सके मुझे, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो बहुत ऐसे गुजारना पड़ा, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है काश मेरा हस्बैंड घर पे होता तो मैं ये सुनना नहीं पड़ता। ऐसा दिन भी आता है कभी कभी बच्चों को जो हस्बैंड लोग कर सकते हैं, मतलब जो आदमी लोग कर सकते हैं काम, वो मैं नहीं कर सकती। ऐसे दिन भी मतलब आता है तो इतनी महसूस होता है, इतनी मतलब क्या बोलते से बहुत हस्बैंड को याद आता है, काश मैं हस्बैंड होता तो ये कर देता, दूसरों को बोलना नहीं पड़ता, दूसरों को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, मेरे को ये थोड़ा सा काम कर दो, मेरे को ये थोड़ा सा हेल्प कर दो, बोलना नहीं पड़ता। आंसा यहाँ छा के तम नीला रुपया तक पहुँच बा। तो बहुत कुछ ऐसे झेलना पड़ा जिंदगी में, कभी खुशी कभी गम, सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होंगे। लेकिन फोर्स लोग के परिवार में ज़्यादा ऐसे ही होंगे, मैंने भी देखा है सुना भी है। तो इसलिए अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मेरे बच्चों भी इतने बड़े हो गए तो मैं देख कर सीख कर अभी इतने तक आया हो, तो अभी तो स्ट्रांग हो गई हूँ मैं। इसलिए अभी तो इतनी जल्दी टूटती नहीं हूँ, मैं टूटने वाला भी नहीं हूँ। तो बस गाइस ऐसे ही सपोर्ट करता रहना मेरे को। आज तो ज़्यादा आप लोग को दिखा नहीं पाया, लेकिन आप लोग को मेरे दिल की बात करने के लिए मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ, थोड़ा सा शेयर करती हूँ आप लोगों से मेरे दिल की बात। इसलिए तो ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, ऐसे साथ देते रहना, तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे को ऐसे सपोर्ट देना, मैं ताकि आगे बढ़ सकूँ, मैं भी दिखा सकूँ। हाँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, फिर भी मैंने भी कुछ करके दिखाया करके मैं भी एक मेरे खुद को प्राउड कर सके। तो ज़्यादातर हकदार तो आप लोग होंगे मेरे से, क्योंकि आप लोग ने सपोर्ट किया है मेरे को, आप लोग की वजह से मैंने आगे बढ़ा है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहाँ आगे बढ़ पाती। इसलिए ज़्यादातर हकदार डिजर्व आप लोग करता है। तो मैं एक इंडियन आर्मी की वाइफ हूँ, इसलिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक देश को सेवा कर रही है, एक देश की जवान है, इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मैं ऐसा कोई दुख नहीं है, मेरे हस्बैंड फोर्स में है, ऐसा कोई दुख नहीं। पहले से मैं शादी से पहले से मैं फोर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन देखो भगवान भी मिला दिया है। तो मेरे भाई भी दोनों फोर्स में है, एक हमारे यहाँ के फोर्स है, एक बाहर के। मेरे बड़ा भाई भी इंडियन आर्मी में था पहले, लेकिन अभी नहीं है। तो मेरे भाई दोनों मेरे से बड़ा है, वो यहाँ के फोर्स में है, तो पुलिस में है।
तो दोनों ही मेरे भाई भी फौज में है, तो मेरे हस्बैंड भी फौज में, पहले से मेरे फौज लोग को देखकर इतनी अच्छा लगता है ना, इतनी पसंद करते हो। हाँ, जब हस्बैंड घर पे आएंगे ना सोचते तो कितनी प्यार करते होंगे अपनी वाइफ को घर के, मैं सोचती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत भी देखो, भगवान ने मिला दिया है मेरे हस्बैंड के साथ, तो हमारे लाभ मेरे सोए थे तो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे है, मेरा हस्बैंड बहुत केयर करता है मुझे और प्यार भी करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं मुझे, इसलिए तो इतने दिन तक चल रही हूँ। तो कोई कोई ऐसा लोग बोलते हैं ना, क्या करते हैं करके, तो मेरे हस्बैंड फौज में अगर वो फौजी है करके, ऐसे कोई कोई ऐसे निगेटिविटी से ऐसे देखते हैं ना नज़रिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप जिसकी वजह से आप लोग घर पे शान से चैन से रह सकते हो, चैन से खा सकते हो, चैन से ऑफिस में जा सकते हो, काम कर सकते हो, तो ये फौज लोग की वजह से है। कोई भी फौज हो आप फौज की वजह, तो इतने फौज लोग का आप इतनी नज़रिया छोटी नज़रिया से क्यों देखते हैं, इसलिए जो ऐसे लोग हैं ना मुझको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो जो फौज है वो सबसे चाहे पढ़ाई कम होंगे, कोई कोई ऐसे इंजीनियर डॉक्टर से पढ़ाई कम होंगे, लेकिन वो सबसे मेरी नज़र में फौज लोग के बहुत ज़्यादा ऊँचा है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, क्योंकि देश को रक्षा करते हैं, बहुत एक सुरक्षा करते हैं, सब के लिए वो मतलब ड्यूटी करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो आप जिसके लिए आप सेफ से रह सकते हो, घर पे सेफ से जा सकते हो, तो आप उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप किसको दोगे रिस्पेक्ट। मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं, मेरे हस्बैंड फौज है, मेरी वाइफ फौज में है, इसलिए नहीं है, पहले से हो। जो फौज लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब आतंकवादी कोई ऐसे मर जाता है, डेड हो जाता है, तो ऐसे एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, इतनी दिल में है ना बहुत ज़्यादा दुखता है गाइस, बहुत ज़्यादा। ऐसे मेरे ऐसे इतने आंसू आ जाते थे, अभी भी देखो मेरे को रोना आ जाते हैं ऐसी बात सुन के, तो इतनी ज़्यादा मेरे को दुख होता है, क्यों ऐसा करते हैं भगवान। ये तो दुनिया के लिए देश के लिए इतनी अच्छे काम करते हैं, इतनी देश के लिए जान देते हैं, फिर भी भगवान आप लोग ऐसे करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, रोती भी बहुत ज़्यादा। कोई भी फौजी ऐसे मर जाती तो, कोई भी ऐसे हो जाती तो, मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुख हो जाती हूँ। तो मैं बहुत प्राउड हूँ मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, एक आर्मी के वाइफ हूँ मैं, इसलिए मेरी भी एक दायित्व है देश को, देश के जनता को, सबको मेरी भी एक दायित्व है। मैं एक हाउस वाइफ होके भी मेरे हस्बैंड एक आर्मी में है, मैं भी एक घर को, मेरे परिवार को मेरे अच्छी तरह से मैं भी निभाऊंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं भी निभाऊंगी अच्छी तरह से, मेरी जो कर्तव्य है मैं अच्छी तरह से निभाऊंगी गाइस। तो ऐसे सपोर्ट देते रहना मेरे को, ऐसे साथ देते रहना, तो आप लोग मेरे को साथ देकर बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, आप लोग को इतनी ज़्यादा खुश हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे साथ देते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे पास रहना, तो मेरे आगे बढ़ने के लिए आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा, और भी मदद चाहिए मैं आगे जाने के लिए गाइस प्लीज़। मैं और भी नया नया आप लोग को वीडियो बनाऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगी, तो और भी मेरे दिल की बात आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट देते रहो। गाइस खाना खा लिया है अभी, बस ये तो हमेशा रात की रूटीन है, ब्रश भी कर लिया, मुँह भी धो लिया, बस खाना पीना सब हो गया हमारी, तो बस कल तो स्कूल है मेरी छोटी बेटी का, जल्दी उठना होगा, तो अभी जल्दी भी सोना है, तो कल आज जल्दी सोएंगे तो कल जल्दी उठ पाएंगे, इसलिए तो अभी बस एडिटिंग करना बाकी है। अभी कितने बजे है, कितने बजे बाबा? 9:43 है ना, तो अभी एडिटिंग करना बाकी है, तो एडिटिंग करके बस सोना है, कल जल्दी भी उठना है, तो कल से फिर से ड्यूटी मेरी। बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी आप लोग के साथ, तो ऐसे साथ देते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना, तो थैंक यू सो मच गाइस, तो बाय बाय, गुड नाइट।